Friends, I'm back again. Target PCS Judiciary is back. The mains question, section 125 CRPC पे मेंस का क्वेश्चन लेकर के आज आई हूँ मैं आपके लिए. क्वेश्चन है कि whether Muslim divorced wife can get maintenance under section 125 CRPC 1973. तो क्या जो ये मुस्लिम डाइवोर्स्ड वाइफ है ये मेंटेनेंस पा सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज एंड इन देयर पर्सनल लॉज दैट शरीयत एक्ट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम डाइवोर्स्ड वाइफ. हमें पता ही है कि मुस्लिम्स अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न्ड होते हैं लेकिन उनके जो पर्सनल लॉ है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम डाइवोर्स्ड वाइफ का. इसीलिए मुस्लिम डाइवोर्स्ड वाइफ अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से एंटाइटल्ड नहीं है किसी भी मेंटेनेंस के लिए. ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है. फिर 1985 में ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसका पहले फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इसका जजमेंट हम डिस्कस करते हैं. तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस है, इसका फैक्ट्स देखते हैं. शाहबानो बेगम ने मोहम्मद अहमद खान के साथ मैरिज की थी जो कि एक एडवोकेट है और नेहरू जी के क्लोज फ्रेंड भी थे. कब? 1932 में इन इंदौर. इनके 3 sons एंड 2 daughters थे. थोड़े सालों बाद जो मोहम्मद अहमद खान थे उन्होंने सेकेंड मैरिज परफॉर्म करने का सोचा जो वो भी एक यंगर वुमेन के साथ. 1975 में इन्होंने निकाल दिया शाहबानो बेगम को घर से बाहर. अहमद ड्रोव हर आउट ऑफ अ मैट्रिमोनियल हाउस वाइल शी वॉज ऑफ 62 years. वो 62 years की थी और उन्होंने मतलब मोहम्मद अहमद खान ने बेगम साहब को कहा था कि हम आपको 200 rupees ऑफ मेंटेनेंस पर मंथ दिया करेंगे. देखिए, शी फाइल्ड अ पिटिशन फॉर मेंटेनेंस इन अप्रैल 1978 अंडर सेक्शन 125 CRPC बिकॉज अहमद खान हैड स्टॉप्ड गिविंग हर मेंटेनेंस ऑफ ₹200 व्हिच ही हैड प्रॉमिस्ड. इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 200 rupees मेंटेनेंस देंगे लेकिन 1978 से ये नहीं दे रहे थे. तो उन्होंने अपना पिटिशन डाल दी थी सेक्शन 125 में. On November 1978, Khan gave irrevocable talaq, that is divorce, to her and took the defense that Bano had ceased to be his wife, so he was under no obligation to provide maintenance to her. 1978 में खान साहब ने इनको irrevocable talaq दे दिया. अब जब irrevocable talaq दे दिया है तो बानो इनकी वाइफ तो रही नहीं, तो ये कहने लगे कि मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करूं. फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस गया तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इनको बोला कि आप 25 rupees पर मंथ शाहबानो बेगम को देंगे मेंटेनेंस. दिस अमाउंट वाज एनहांस्ड बाय द रिविजनल एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू 179. अब फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बात गई तो हाई कोर्ट ने ₹179 का मेंटेनेंस पर मंथ बोलने को दे दिया. अहमद खान चले गए सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने अपील किया और उन्होंने बोला कि डाइवोर्स के बाद हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रह गया हमारी वाइफ के साथ और ये हमारे इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है. अब 3 February 1981 को क्या हुआ? 2 judges bench फर्स्ट हर्ड द मैटर. उन्होंने पूरा मैटर सुना, पूरे सारे पिछले डिसीजंस देखे और ये बोला कि सेक्शन 125 CRPC अप्लाइज टू मुस्लिम्स आल्सो एंड रेफर कार्ल्स अपील टू अ लार्जर बेंच. फिर उसके बाद इन्होंने एक लार्जर बेंच में दे दिया. अब सुप्रीम कोर्ट की आप विजडम देखिए, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी उनका ओपिनियन मांगा कि भाई बताइए जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्या ये वॉयलेट कर रहा है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ. तो उन्होंने बोला नहीं, और हमारी कुरान में भी लिखा हुआ है कि ये ड्यूटी होती है मैन की कि वो अपनी वाइफ का टेक केयर करे, वो क्योंकि वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती इतनी ओल्ड एज में. शी इज़ पुअर, शी इज़ नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ मनी. तो 23 April 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली यानी कि इकट्ठे सारे बंदों की मेजॉरिटी से, अपने सारे जजेस की मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया. उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको फॉलो करिएगा. दिस वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द जुडिशरी एंड वॉज अ बोल्ड ब्रेव एंड इम्पार्शल, क्योंकि एक इम्पार्शल डिसीजन दिया है उन्होंने हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय. अब यहाँ तक तो सब ठीक है, फिर कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हो जाती है. इन द इंडियन जनरल इलेक्शन INC इज़ वन ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी. उस समय पे कांग्रेस के उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने पूरा एक्ट ये नया बना दिया कि द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986, जिसने सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को ही खारिज कर दिया. देखिए, डायल्यूटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्ट अलाउड मेंटेनेंस टू अ डिवोर्स्ड वुमेन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत और टिल 90 days. इद्दत पीरियड जो है आपको पता है 90 days आफ्टर डिवोर्स होता है, जब उस समय आप रीमैरिज नहीं कर सकते आफ्टर द डिवोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इस्लामिक लॉ. दिस वाज इन अ स्टार्क कंट्रास्ट टू सेक्शन 125
CRPC and the liability of Muslim husband to pay maintenance was then restricted to iddat period only. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक शी री मैरिज तब तक आपको पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दैट इज जैसे हिंदू लॉ में देते हैं अप टू द लाइफ टाइम ऑफ द विडो, मतलब अप टू द लाइफ टाइम ऑफ द वाइफ. तो वैसे ही यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि जैसे ही एक्ट पास हुआ तो उन्होंने जो मेंटेनेंस था उसको अपने इद्दत पीरियड तक ही सीमित कर दिया. अब करंट सिनेरियो देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी तो शांत नहीं रहने वाली थी ना. सुप्रीम कोर्ट इन मैनी लीडिंग केसेज, जैसे दानियल लतीफ़ी का केस है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, हेल्ड दैट मुस्लिम हस्बैंड इज़ लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ. उसका लेटेस्ट केस भी देख लेते हैं, शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद अहमद खान 2015 सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइवोर्स्ड वाइफ जो है उनका ये एब्सोल्यूट राइट है मेंटेनेंस लेना. शाहबानो बेगम का जैसा सिचुएशन उन्होंने दोबारा लेकर के आए, रिस्टोर द पोजिशन ऑफ शाहबानो बेगम एंड हेल्ड कि मुस्लिम डाइवोर्स्ड वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक्ट आने के बावजूद. और ये क्योंकि हमारा सीआरपीसी इज सेक्युलर एक्ट, तो इट अप्लाइज टू मुस्लिम्स एज वेल. तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में.